Hello friends, welcome to the Navigator Seated classes. This is Deepak Divakar. Today I'm going to discuss very important topic, heredity and environment. Friends, this topic is most important for seated examinations. So, very serious होकर के इस टॉपिक को पढ़िएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ. दोस्तों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है. ठीक है, हेरिडिटी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो अनुवांशिकता होता है, और इन्वायरमेंट का उससे परिचित होंगे आप लोग, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण. अनुवांशिकता क्या होता है? शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में जो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं. ठीक है, ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर. नाम जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑप्शन में दे देता है कि ये किसने कहा. ठीक है, और चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा, तीन गलत होंगे एक सही होगा, तो इसलिए नाम जरूरी होगा. ठीक है, वातावरण क्या होता है? वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं, जितने भी बाहरी चीज आ जाता है जो जन्म से, ठीक है, बच्चों को प्रभावित करता है. ठीक है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने. ठीक है, अब अनुवांशिकता के बारे में हम लोग जानते हैं. अनुवांशिकता का मूल आधार क्या होता है? कोष होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. ठीक है, मानव कोष में 46 गुण सूत्र होते हैं. कितने होते हैं? 46 गुण सूत्र होते हैं, 46. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो 23 युग्मों में व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक युग्म में एक माँ से आता है और एक पिता से आता है. दोस्तों, जो होता है वो 22-22 के, मान लेते ये पेयर में हो गया, और जो एक 23 में से ये जो पेयर बसता है वन, यही डिसाइड करता है कि बेबी होगा या ये बेबी फीमेल होगा या मेल होगा. ठीक है, तो हम लोग इसी में अब जो है ये क्रोमोसोम पहले बता दिए 46 होते हैं, 23 क्या होता है? पेयर में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चा जन्म लेता है. अब इसमें 23 में से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होता है. ठीक है, और जो लास्ट बचता है, ठीक है, लास्ट बचता है, इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. सेक्स क्रोमोसोम, इसी के वजह से ये निर्धारित होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी. ठीक है, अब इसमें ट्विंस के बारे में जानते हैं हम लोग. ट्विंस, ठीक है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है. हाँ, एक चीज आपको बता दे कि मेल और फीमेल में, मेल में क्या होता है? एक्स वाई दोनों होता है, और इसमें एक्स एक्स होता है. आप लोग पहले भी जान चुके होंगे, इसी से निर्धारित होता है. अगर एक्स इसमें से अगर एक्स वाई मिल करके, एक्स वाई मिल करके बेबी बॉय ये होता है, और एक्स एक्स जब मिलता है, एक्स एक्स, ठीक है, तो इसमें बेबी गर्ल. ठीक है, इसके बारे में जानते हैं. अब इसमें जो है हम लोग जानते हैं ट्विंस के बारे में. ट्विंस क्या होता है? ट्विंस आप लोग सुने होंगे, ट्विंस. ठीक है, ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा बच्चा. ठीक है, ट्विंस दो प्रकार का होता है. ठीक है, कितने प्रकार का? तो हम लोग ट्विंस, इसमें ट्विंस जो होता है दो प्रकार का होता है, इसको जुड़वा बोला जाता है, ये जुड़वा बच्चा. ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस. ठीक है, अब इसमें होता है मोनोजाइगोटिक, इसको बोला जाता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सेम. ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर ये बेबी होगा तो दोनों बेबी, बेबी बॉय होगा, अगर बेबी ये गर्ल होगी तो दोनों क्या होगी? बेबी गर्ल ही होगी. ठीक है,
अब इसमें हम ये फ्रेट फ्रेटर्नल ट्विंस जो होगा ये क्या होगा, जायगोटिक होगा, इसका अर्थ होता है अलग, ठीक है, या भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस में हम लिख दिए, इसमें क्या होगा कि बेटा होगा तो दोनों बेटा ही होगा, अगर बेटी होगी तो दोनों बेटी होगी। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, इसमें एक बेटा होगा हो सकता है या एक बेटी हो सकती है। चलिए दोस्तों आज मैं इतना ही क्लास करा करके ख़त्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।